करनाल पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पुलिस द्वारा त्योहारों के मद्देनजर चौकसी और अधिक बढ़ा दी गई है। पुलिस नाके लगाकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को काबू किया है। आपको बता दें कि 7 और 8 नवंबर की रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा करनाल के निसंग के गुरु नानक फिलिंग स्टेशन पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें आरोपियों द्वारा एक महंगी कुर्सी व पेट्रोल पंप पर उपयोग की जाने वाली बैटरी चोरी की गई थी। इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिक मंजीत सिंह निवासी कप्तान कॉलोनी निसिंग के बयान पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना निसिंग करनाल में मामला दर्ज किया गया। मामले की आगामी तफ्तीश मुख्य सिपाही कुलदीप सिंह थाना निसिंग करनाल को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इस वारदात से जुड़ा एक आरोपी रिंकू निवासी गुल्लरपुर रोड निसंग संदिग्ध रूप से घूम रहा है, जिसके चलते पुलिस ने रेड कर आरोपी को काबू किया। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से चोरी की गई कुर्सी को बरामद किया गया है। बताते चले कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने दूसरे साथी गुरजीत सिंह निवासी डेरा पक्का खेड़ा मोड़ गांव पयोत के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात का खुलासा किया है। आरोपी रिंकू के खिलाफ पहले भी मोबाइल चोरी व एनडीपीएस का एक एक मामला दर्ज है, जिसमें आरोपी सजा काट चुका है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।